अयोध्या जहां इस वक्त आस्था का सैलाब है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बरसों की प्रतीक्षा के बाद अपने स्थायी घर में विराजमान होने वाले हैं। और ऐसे में भारत के तमाम राज्यों से लोग अयोध्या पहुंचकर यहां जो अपनी भावनाएं हैं उसको प्रकट कर रहे हैं। और इसी के स्वरूप गुजरात के वडोदरा से 108 मीटर लंबी ये अगरबत्ती जो है वो यहाँ पर पहुंची थी, जिसे आज जलाने का काम, प्रज्वलित करने का काम जो है वो किया गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने इस अगरबत्ती को जो है वो यहाँ पर जलाकर अब इसको 108 मीटर जो लंबी अगरबत्ती आपको दिख रही है वो लगातार अनवरत जलती हुई नजर आएगी। हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने इस पूरी अगरबत्ती को बनाया है, आखिर किसके पीछे की क्या भाव थी, ये उनसे पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्या नाम है आप दोनों का? गोपालक भैया भाई बरवड़ मेरा नाम है। बाता भाई बरवड़। अच्छा, तो ये बताइए कब ख्याल आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए? क्योंकि हमारे प्रभु श्री रामलला 500 साल के बाद जी उनके निजी स्थान में आ रहे थे और हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, तो उसके खुशी के अंदर हम 108 फुट लंबी 3.5 फुट गोलाई है और इसको हम 108 फुट अगरबत्ती कहे, धूपसली कहे या तो यज्ञ कहे। क्यों के इसके अंदर जितनी यज्ञ में सामग्री लगती है वो पूरी इसमें लगाई है। क्या क्या सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में? इसके अंदर 191 किलो घी, गाय का घी लगा है, 376 किलो इसके अंदर गूगल धूप लगाए, 376 किलो खोपरा का नारियल का छीना लगाए और 280 किलो जौ है, 280 किलो तल है, 425 किलो हवन सामग्री है और 1475 किलो इसके अंदर गिर गाय का गोबर का पाउडर भी मिला है और दूसरी भी बहुत सारी 250 थे। कितने लोग लगे इसको बनाने में? नहीं, बनाया तो मैंने अकेले ने बना रहे थे आप? इसको 6 महीने का वक्त लगा है बनाने में। अच्छा, और बना दिया है। तो ये 108 फीट की जो अगरबत्ती आप गुजरात से लेकर आए तो यहाँ तक लाने में दिक्कत हुई होगी? नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं हुई है। इसके लिए 110 फीट बड़ा रथ बनाया था। अच्छा। और गुजरात से जब हम निकले तो प्रभु राम ने समुद्र में सेतु बनाया था। इस तरह इस धूपसली अगरबत्ती ने गुजरात से अयोध्या तक जनता और राम भक्तों का एक बहुत बड़ा सेतु बनाया। रास्ते में हर जगह पे ढोल नगाड़ा डीजे के साथ इसका स्वागत किया गया। और जनता में बहुत खुशी है, बहुत उत्साह। आज जब राम मंदिर के मुख्य पुजारी यहाँ आए तो उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? हाँ, उनने बोला कि हमारा सबका ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि में इतनी बड़ी भव्य 108 फीट लंबी धूपसली यज्ञ रूपी यहाँ प्रज्वलित करने का मौका मिला। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इसको घी से जो है वो बार बार प्रज्वलित किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, ये बार बार प्रज्वलित नहीं किया जाता है, इसमें ये घी की गिर गाय का घी है, उसकी आहुति डाल रहे हैं हम। इसकी आहुति डाल रहे हैं बार बार। अच्छा, ये कितने दिन तक ये जलती रहेगी इसी तरह? नहीं, ये तो ज्योति की तरह तो 21 दिन रात दिन अखंड चलती रहेगी, क्योंकि हमको जलाना था इसको 1.5 महीने तक। अच्छा। मगर इसी का जो यहाँ का वातावरण है वो सूट नहीं हो रहा है, इसके अंदर हेज आया है, तो जो हेज हट जाएगा तो हम इसको 1.5 महीने तक चलाएंगे। और सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है, इसमें सुगंध के लिए क्या कुछ? सुगंध के लिए इसके अंदर नेचुरल जो हमारा गूगल होता है, धूप होता है, उसका जो परफ्यूम डाला गया है, गूगल डाला गया है, ये अभी पूरी तरह इसको प्रज्वलित होने में अभी 3 घंटा लगेगा, 3-4 घंटा लगेगा, जब जाके पूरी प्रज्वलित होंगी। ये जो अगरबत्ती है ये अब यहाँ पर जो पूरा वातावरण है उसको एकदम सुगंधित बना रही है और लगातार यहाँ पर जो है लोग अयोध्या के अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? यहीं के हैं। हाँ, अयोध्या के हैं। ये देखने आए हैं? जी, दर्शन करने आए हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी प्रतापगढ़ से आए हैं। अच्छा। यहाँ पे सिटी बस सर्विस भी ऑपरेट कर रहे हैं हम। अच्छा। 200 बसेस ऑपरेट कर रहे हैं। कहाँ से आए भाई साहब? क्या लग रहा है? प्रतापगढ़ से। कहाँ पे आप लोगों ने सुना कि ऐसे अगरबत्ती लगी तब आए? सर, हम लोगों ने लखनऊ में ही सुना था, क्योंकि ये लखनऊ होके ही आई थी। जी, वहीं पे सुना था हम लोगों ने। देखिए तमाम लोग, आप कहाँ से आए भाई साहब? लखनऊ से। अच्छा, तमाम लोग जो है वो दूर दूर से इस अगरबत्ती का दर्शन करने आ रहे हैं और ये वो भाव है जो अयोध्या में अभी पूरे भारत का नजर आ रहा है, जहां तमाम लोग
अपनी अपनी आस्था के प्रतीक के तौर पर सामग्री चीजों को अयोध्या ला रहे हैं और रामलला को वो भेंट करना चाह रहे हैं।